गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज सर, आप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेटा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट मींस आपका यह होता है, डायरेक्ट यानी किसी बात को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं इसको आमतौर भाषा में, और इनडायरेक्ट मींस उस बात को डायरेक्ट न कहकर इनडायरेक्ट में कहना। अर्थात कहने का सेंस है कि डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं कि वक्ता, वक्ता वक्ता को इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर, ठीक है। वक्ता की कही हुई बातों का, वक्ता की कही हुई बातों का ज्योका त्यों कहना, ज्योका त्यों, ज्योका त्यों कहना, ठीक है। ज्योका त्यों कहने का अर्थ यह होता है कि ज्योका त्यों जो बात कहा उसी बात को कह देना, यानी उस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना। तो वक्ता की कही हुई बातों का ज्योका त्यों कह देना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। आगे समझ, वक्ता की कही हुई बातों का ज्योका त्यों कहना, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा, क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि वक्ता की कही हुई बातों का ज्योका त्यों न कहकर, वक्ता की कही हुई बातों का ज्योका त्यों न कहकर उसको अपने शब्दों में कहना, उसे क्या कहते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। वक्ता की कई बातों का जो कहते न कहकर उसको अपने शब्द में कहना, उसको अपने शब्द में कहना, उसे क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझ लें, जैसे दिया है एग्जांपल, जैसे मोहन सेड, मोहन सेड, मोहन कहा, माय ब्रदर इज डॉक्टर, मोहन से, मोहन कहा, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, कि मेरा भाई क्या है, डॉक्टर। ये आपका हो गया डायरेक्ट। अब इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि आम भाषा कॉमन में कि आप क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए मोहन कह रहा है कि माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, ठीक है, कि मेरा भाई क्या है, डॉक्टर है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, तो हम ये बात को क्या कहेंगे, हम ये बात को यह कहेंगे कि मोहन कह रहा है कि उसका भाई डॉक्टर है, ठीक है। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा मोहन, मोहन से यूनिटिव कॉमा को हटा के कंजंक्शन डायरेक्ट लगाते हैं, ये आगे जो रूल्स हम बताएंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा है। मोहन से डेट इज इज ब्रदर इज है, तो क्या हो जाएगा, इसको वाज में चेंज करते हैं, वाज ए क्वेश्चन, ठीक है। मोहन से डेट इज ब्रदर, इज ब्रदर वाज ए डॉक्टर, मोहन कह रहा था उसका भाई क्या है, समझ में आ गया। डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। अब डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग, डायरेक्ट नरेशन के, नरेशन के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच,
क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। डेफिनेशन के दो नाम, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग किसे कहते हैं? जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है वह इनिमेटेड कामा के बाहर होता है। तो जिस हमारे ये डायरेक्ट नरेशन है इसमें दो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच मिलकर क्या बनता है? डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है मोहन सेड, क्योंकि यह कामा इनवर्टेड कामा के यह बाहर होता है। जो इनवर्टेड कामा के बाहर जो जो पार्ट होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है। कामा और इनवर्टेड कामा कि जो बाहर होता है और रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और रिपोर्टेड स्पीच जो जो कामा और इनवर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो यह जो भाग है माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, यह जो भाग है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, और मोहन सेड ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हमने पढ़ा डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे। उसके बाद हमने पढ़ा कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कैसे नियम है, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो हम पांच सेंटेंस का बनाते हैं। कितने सेंटेंस का? पांच सेंटेंस का हम डायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये पांच सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का नरेशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसएलपी सेंटेंस। एसएलपी सेंटेंस, एसएलपी सेंटेंस ये आपका दो प्रकार का, असर्टिव सेंटेंस ये आपका दो प्रकार का होता है, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का जब हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम चेंज करेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आपका रूल होता है टेंस में, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, टेंस में परिवर्तन संबंधी। ये असर्टिव सेंटेंस का पहला यूज होता है कि टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम क्या होता है? तो टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम में इसमें दो नियम, पहला होता है रूल नंबर वन, रूल नंबर वन पहला रूल क्या होता है कि यदि यदि रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पहला आपका रूल है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। टेंस में परिवर्तन नहीं होता है तो जब रिपोर्टिंग किस टेंस में होगा, प्रेजेंट में या फ्यूचर में?
चीज और ध्यान दीजिए कि चाहे प्रेजेंट में चाहे कोई भी प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर का भी सेम हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करें। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, क्या उसमें रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में? तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपका होगा से, सेड, इज सेइंग, हैज बीन सेइंग, विल से, विल बी सेइंग, इट इज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दिया होगा से या सेड या इज सेइंग या हैव बीन सेइंग या विल से या विल बी सेइंग, तो समझ जाएंगे कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टेंस में है, यह आपका प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो जब रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बस हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन इसका प्रयोग करेंगे डेट। एसेंटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन डेट का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे कि जब डायरेक्ट से जब इंडेक्ट जब बनाते हैं तो अलग अलग सेंटेंसों का अलग अलग उसका कंजंक्शन होता है, तो एसेंटिव सेंटेंस में हम डेट का प्रयोग करते हैं। एसेंटिव सेंटेंस में हम पढ़ रहे थे क्या था पहला, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। तो टेंस में परिवर्तन संबंधी में पहला नियम आपका रो था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसमें है रूल नंबर टू। रूल नंबर टू क्या है? रूल नंबर टू है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते। इसका दूसरा रूल, पहला रूल क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम पास्ट टेंस में बदल देते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदलेंगे, पास्ट टेंस में बदलेंगे। ठीक है, और कैसे बदलेंगे? ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है? ठीक है, तो जहां आप लिखे हैं इज सेइंग वहां हो जाएगा वाज सेइंग। ठीक है, जहां इज सेइंग है वहां वाज सेइंग हो जाएगा, और जहां हैव बीन सेइंग है वहां हैव बीन सेइंग। अर्थात इसमें अधिकांश आपके आता है सिंपल समझेंगे सेड हो और हैड सेइंग। ठीक है, ये चीज अधिकांश आते हैं, लेकिन अगर जहां लिखे हैं इज सेइंग लिखे हैं ना, अगर टेल होगा इज सेइंग जगह पे वाज सेइंग होगा, हैड बीन सेइंग जगह पे हैड बीन सेइंग होगा। ठीक है, और अगर सेड होगा या हैड सेड होगा, यही दो चीज हमेशा आपका यूज होगा। अगर किसी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड हो और अगर हैड सेड हो तो समझेंगे कि यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब या आपका पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम किस टेंस में, पास्ट टेंस में बदल देंगे। अब कैसे बदलेंगे? देखिए बेटा, पूरे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में हम बदल देंगे, पूरे प्रेजेंट को पास्ट में। ठीक है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते। ठीक।
ठीक है, कल हम आपको चार बनवा देंगे, आज ओरली हम आपको बता दे रहे हैं। पूरी प्रेजेंट को किसे बदल दिए? पास्ट में। अब पास्ट को भी किसे बदलेंगे? पास्ट में। जैसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नो चेंज। यदि पास्ट टेंस का पहला रूप क्या था? टेंस में परिवर्तन से पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। और इस वाक्य में आए हुए विल को वुड में, सैल को सुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में क्या करते हैं? बदल देते हैं।